हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मेमोरीज विंटेज ब्लॉग। तो बहुत दिन से बहुत कपड़ा जमा हुआ था, तो आज सारा ये धो दिए, लेकिन बाहर बारिश भी हो रहा है, पता नहीं सूखेगा कि नहीं। अभी तो इसको बारिश भी हो रहा है, सूखा भी नहीं, सूखेगा भी नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ही कपड़ों को सब सुखाने के लिए दे रही हूँ। और बारिश भी हो रहा है बाहर, और ये सब बालकनी में देखो, ये इतना ग्रो हो रहा है अभी बरसात के सीज़न में। तो क्या करें, इतना सारा कपड़ा जम गया था तो आज धोना ही पड़ा, लेकिन बारिश भी है तो सूखेगा भी नहीं अभी, फिर भी ऐसे ही मेल दिया हूँ कपड़े को सब। तो गुड इवनिंग गाइस, तो शाम हो चुकी है, शाम मतलब 7 बज चुके हैं। तो आज है जनाब का लैथ खोट डे, हाँ, तो संडे भी है, इसलिए जनाब सुबह से आज सो ही रहा है, मैं भी सो ही रही हूँ, क्योंकि रात को खाना बना के रखा था, तो खाना बनाने के भी झमेला नहीं था, तो इसलिए फिर खा के धा के फिर सो रही हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा वो कपड़ा वपड़ा धोए, फिर हम लोग ऐसे ही मोबाइल देख रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा रेडी हो चुके हैं, और थोड़ा सा बाहर घूमने जाएंगे, चाय वाय भी पियेंगे, थोड़ा मूड फ्रेश करेंगे अभी। तो अभी हम लोग चले आए हैं एक्सिस मॉल के सामने, जो सोनाझुरी मेला लगा है यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि सामने पूजा भी है और घर के लिए खुद के लिए शॉपिंग भी करना है, तो इसलिए मैं देख रही हूँ। मेरा एक कज़न सिस्टर है, तो मैं उसी के लिए देख रही हूँ कुछ कुर्ती वगैरह पसंद आ रहा है कि नहीं। तो बहुत सारा नया नया कलेक्शन है, अच्छा तो मुझे भी लगा, मैं भी थोड़ा सा देख रही हूँ खुद के लिए भी। और ये सब घर सजाने की, ये सब फूल वगैरह तो बहुत ही सुंदर लगता है। और जनाब यहाँ पे वीडियो कर रहा था, और मैं घूम घूम के शॉपिंग कर रही थी, मतलब देख फिर रही मैंने थी। यहाँ से दोनों सिस्टर के लिए कुछ देख रही थी, मेरे एक भाई की वाइफ, जो भाई की वाइफ के लिए, और एक मेरे चाचा के बेटी के लिए, कज़न है मेरा, तो वो कुछ का पसंद आए तो मैं ले लूँगी उन दोनों लोग के लिए, तो मैं खुद के लिए भी लूँगी अगर मुझे पसंद आए तो। तो मैं यहाँ से मेरे कज़न के लिए एक कुर्ती, ड्रेस टाइप का कुर्ती मुझे पसंद आया, तो मैं वही ले लिए। फिर हम लोग चले आए यहाँ पे एक्सिस मॉल के अंदर, तो एक्सिस मॉल में जूडियो का कलेक्शन मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वही थोड़ा सा देखने आई हूँ। तो कल तो सिटी सेंटर पे भी गए थे जनाब, और मेरे घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग किए, तो आज भी शॉपिंग किए, वो आप लोगों को घर जाके मैं दिखाऊंगी आज। तो यहाँ से भी मैं एक ड्रेस खरीदा, ड्रेस टाइप का कुर्ती जो बोलते हैं वो खरीदा। फिर हम स्पेंसर पे चले आए, स्पेंसर में मुझे थोड़ा सा कुछ सामान देख रही थी लेना है कि नहीं। क्या ले रही हो? उपमा। रेडीमेड कैसे होगा, घर पे बनाने से तो अच्छा होता है। और घर में जो बनेगा तो भी तो अच्छा है, बट ट्राई कर सकते हो। एक लेते हैं, एक किलो। एक्सिस मॉल पे आए और थोड़ा बहुत वो सामान खरीदा, तो अभी हम लोग घर भी जा रहे हैं। और ग्रोसरी से केक लिए थे, तो अभी थोड़ा सा केक भी खाएंगे, भूख लग रही है थोड़ा थोड़ा, तो चाय भी नहीं पिए हम लोग, तो देखते हैं चाय पीना है कि नहीं जनाब को, नहीं तो केक खा के घर जाएंगे। और यहाँ पर मैडम अभी खा रहा है केक, बोलेगा कि कंजूस आदमी कुछ नहीं खिलाता है, कहीं नहीं खिलाता है। बोलो और इधर प्रोग्राम हो रहा है, साउंड वगैरह आप लोगों को सुन में आएगा। और ये देखो यहाँ पर कितना कचरा कचरा होकर रह गया है, तो हर कोई जो होता है फेंक के चला जाता है, तो हम लोग नहीं फेंकेंगे इसको, तो प्लीज आप भी थोड़ा मेंटेन कीजिए, तो हम लोग बैग में लेके जाएंगे इसको।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और मैं अभी सुबह सुबह चाय पी रही हूँ आप लोगों के साथ। तो कल जो चना भिगो के रखा था कल, हाँ, तो वो अब बनाएंगे अभी। और तो जनाब अभी ऑफिस जा रहा है, ऑफिस तो नहीं जा रहा है, लगता है छोटा बच्चा स्कूल जाते हैं ना, सब रेडी करके हाथ के सामने दिन वगैरह सामने रखना पड़ेगा और क्या क्या चाहिए वो भी देना पड़ेगा। तो ये फिलहाल कर, तो जनाब तो अभी ऑफिस से आ रहा है। तो कल जो मैंने उस दिन जो मैंने उपमा लाई थी, तो मैं सोच रही हूँ चाय और उपमा बना लेती हूँ, मैं खुद भी खाऊँगी, इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा खाने में और जनाब भी खा लेगा। तो फटाफट से ये अभी बना लेती हूँ। रेडीमेड उपमा मैं कभी खाई नहीं, ये बोल रहे हॉट वाटर में ही उपमा देने से, बॉयल करने से हो जाएगा मैगी की तरह। तो देखते हैं, तो यहाँ पे बोल रही है देखो हॉट वाटर में देने से 3 मिनट रखने से हो जाएगा। तो देखते होते हैं कि नहीं कैसा है, पहले ये देख लेते हैं। अच्छा ही तो लग रहा है, पता नहीं कैसा होगा खाने में। ये देखो कुछ इस तरह लग रहा है। ये देखो पानी गरम किया और उसमें दे दिए, तो अभी थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे तो अच्छा ही लग रहा है मुझे। नमक भी देखा तो ठीक ही है, तो जिसको और भी लगेगा तो वो ले सकते हैं। तो अच्छा ही बना ये। अब इसको गैस को ऑफ कर देते, तो फटाफट 2 मिनट में हो गया। चाय बनाने के लिए भी बैठा दिया है, तो फिर हम रेडी भी हो लेंगे। तो जनाब ने बोला कि तुम रेडी रहो, मैं फिर निकल जाऊंगी तुम्हें लेके घूमने के लिए। तो जनाब आते ही फिर हम लोग ये एक साथ बैठ के खाएंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो मैं रेडी भी हो ले। तो अपनारे तेमन कोई लमजा ना बैठे आई तो हमारे हाँ पड़बो जमाई चले आई जैसे, तो चलो जमाई रे दरजा खुले दी। तो देखो जमाई चले आईसे हमार जमाई। हाँ ऑफिस खत्म, अभी 7:45 बज रहा है। तो अभी जनाब आए, तो अभी देखो तुम्हारे लिए मैं स्नैक्स, क्या बोलते इवनिंग स्नैक्स बना के रखी हूँ, चाय और पोहा। पोहा नहीं सॉरी उपमा, नाम भी भूल गई हूँ। तो चलो फिर अभी रेडी होके, मैं रेडी भी हुई हूँ, मुझे लेके जाओगे फिर घूमने के लिए? क्यों मतलब क्यों? चलो जल्दी से जल्दी। तो ये देखो जनाब को आज ऑफिस से ये टी शर्ट और ये टोपी मिला, टोपी। तो पहन के देखती हूँ मैं कैसा लगता है मुझे। तो ये देखो मैं टोपी पहन रही हूँ, टोपी जनाब के टोपी, ऑफिस को टोपी। मेरा टोपी तुम क्यों पहन रहे हो? ट्राई कर रही हूँ, अगर मेरा ठीक ठाक लगे तो मैं रख लूंगी ये। इसलिए हो ये बाल खराब हो गया मेरा। चलो मैं फ्रेश हो गया। हाँ मैं, मुझे भी रेडी होना है, तो फटाफट रेडी हो लेते हैं। और यहाँ पर हम लोगों का बिट्टू, बिट्टू भी इंटेलिजेंट हो गए हैं। तो पहले इस साइड में बागल वगैरह देता था, एक दिन पानी वगैरह हम लोग चेंज किया, तो अभी इस साइड पर पानी वगैरह चेंज किया था, अभी इस साइड में देता है छुपा के छुपा के। मतलब यहाँ पर थोड़ा जो स्पेस है इसको लगता है कि हाँ यहाँ पर सेफ है। अरे बेटो क्या कर रहे हो तुम? लग रहा है कि पूरा भर देगा ये सब जगह, इधर इधर इधर, कम कम कम। वो अभी खुद ही बेस्ट है, बेस्ट, बहुत काम कर रहा है। क्या मतलब कब होगा रेडी? हो गया रेडी। और चोरी कौन पहनता है मतलब इस गेटअप पर? हाँ हाथ दिखा एक बार, कौन पहनता है? एक्चुअली हम लोग घूमने निकल चुके थे, घूमने नहीं एक्चुअली रील खत्म हो गया था, तो रील करने हम लोग ये जो विश्व बांग्ला के सामने आते हैं हम लोग आज कर लिया। कौन सा रील? रामैया बसा भैया भैया। तो बहुत सारा रील किया मैंने और जनाब ने एक ही रील किया, क्योंकि जब ऑफिस का काम करके आया तो थक गया था, तो एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत रील बनाए हम भी, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत रील बनाए। वो तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब में, तो यूट्यूब चैनल में पूजा दी ड्रीमर, तो आप लोग चेकआउट करना। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और थोड़ा देखते हैं, थोड़ा घूम घूम के जाएंगे, हवा हवा खा के। हवा खा के हाँ।
घर से खा के आया था इसलिए हवा खा के जाएगा। हाँ घर से तो वो आप लोगों ने देखा, हम उपमा और चाय पी के चले आए, तो अभी भूख भी नहीं है, तो थोड़ा सा स्कूटी में ही बैठ के हवा खा के फिर घर चले जाएंगे। और जिन लोगों को पता नहीं, ये जो गेट है इसको कहते हैं विश्व बांग्ला गेट, तो ये है आपका एयरपोर्ट जाने के रास्ते पर ही मिलेगा, कोलकाता का सीसीयू जो एयरपोर्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पर ढके रील वगैरह करते हैं। तो बंगाली लोग जो है जो हमारा वीडियो देखते हैं उसको तो पता होगा, फिर भी जो बाहर का है। और हाँ मैं हूँ अली, है पूजा, याद रखना नाम जरूर, हैशटैग अली पूजा। चलो फिर मिलते हैं, तो यहाँ से अभी निकलते हैं हम दोनों। तो ये फ्लाईओवर भी है ना नीचे, यहाँ पर एक फ्लाईओवर भी किया है, फ्लाईओवर सॉरी हाँ अंडरग्राउंड किया है, तो बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग तो कभी गए नहीं अंदर, लेकिन वीडियो वगैरह में देखे तो अंदर बहुत अच्छे से सुंदर से बनाया है ये। तो अभी हम लोग ये, और ये है स्मार्ट प्लाजा इसको बोलते हैं, ये एक छोटा सा गार्डन टाइप का है। तो हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं, और जना बहुत थक गए आज, अभी घर चले आए। और आते ही आपको जो प्रॉमिस किया था वो सिटी सेंटर में जो जो खरीदा और सोनाझुरी हाट में जो जो खरीदा वो आप सबको अभी दिखाऊंगी। तो मैं सारा यहाँ पे लेके बैठी हूँ, मैंने मतलब खड़ी हूँ, अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे है मेरा सारा जो मैंने मेरे फैमिली के लिए जनाब के लिए खरीदारी की है वो सब है, तो एक एक करके अभी दिखाती हूँ। तो ये एक ड्रेस टाइप का वन पीस है, और ये मैं मेरे भाई के वाइफ जो रिम्पी है उसके लिए खरीदी हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा ये ड्रेस मुझे। और ये फुल लेंथ है, और इसका जो स्लीव है वो भी बहुत सुंदर है, और मुझे देखने में भी ये बहुत अच्छा और सोबर लगा, तो मुझे ये मैं उसके लिए एक ले लिए। और पीछे भी इसका बैक, ये डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा, इस टाइप का बैक डिज़ाइन है इसका। और ये मैं सोनाझुरी हाट से लिए है, और ये मैं मेरे कज़न के लिए लिया हूँ। और ये देखो ये भी फुल लेंथ है, और इसमें इस टाइप का नीचे ये डिज़ाइन है, और सामने इस टाइप का डिज़ाइन है, और ये भी फुल स्लीव हाथ है। और ये जो कमर है इसका आप लूज टाइट कर सकते हो, ये इसको डोर है, और लटकन भी इस टाइप का दिया है, अच्छा लग रहा है। और ये मेरे मम्मी के लिए मैंने लिया है चिकन करी वर्क का, ये ऑनलाइन में मंगाया था, बहुत ही अच्छा है डिज़ाइन, और कॉटन का भी है, इसका पैन भी वाइट कलर का, उसमें भी चिकन करी काम है। हम लोगों ने देखा वीडियो में वो कॉटन का कुर्ता, ये ब्लैक कलर का पहना था, तो वो जनाब के लिए इस टाइप का कॉटन कुर्ता एक लिया, ये देखो इस टाइप का कॉटन एक कुर्ता लिया, और जनाब के लिए जीन्स लिया हूँ, जीन्स ये प्लेन इस टाइप का जीन्स जनाब के लिए लिया हूँ। लड़के लोगों को क्या है, सिंपली एक ही टाइप का ही होता है ये जीन्स का है। मैंने खुद के लिए ये खरीदा, जनाब ने पसंद करके दिया है, ये यहाँ स्कर्ट है, नीचे पैंट नहीं है, तो इस टाइप का है, यहाँ पे पॉकेट भी है, अच्छा है। जनाब ने मुझे पसंद करके ये जोर से बोला कि नहीं तुम्हें लेना है, तो ये मैं खरीदी अपने लिए, तो अच्छा है, डेनिम का भी है, अच्छा है, कुछ इस टाइप का है, आप अंदर टी शर्ट वगैरह पहन के ऊपर ये इस टाइप का, ये देखो। तो ये मैंने खुद के लिए लिए, मेरा अपना भाई है और मेरा एक कज़न है, तो दोनों के लिए सेम सेम ये स्वीट शर्ट मैंने खरीदे इस टाइप का, तो आप लोग ब्लॉग में देखा जना पहना था, तो इस टाइप का मैंने लिया, जना आपको भी बोले ये कलर तुम पे अच्छा लग रहा है तुम खुद ले लो, तो नहीं लिए, तो इस टाइप का मैं मेरे भाई के लिए और मेरे कज़न भाई के लिए भी इस टाइप का लिए, ये देखो दोनों दोनों ही मुझे एक ही कलर ही पसंद आया। एक तो मेरा कज़न का भाई जो है उसका रेड कलर पसंद है, मुझे रेड कलर पसंद है, और मैंने दूसरा और भी कलर स्वीट शर्ट का देखा मेरे भाई के लिए लेने के लिए, लेकिन दूसरा कलर मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है, मुझे रेड कलर ही पसंद, तो मैं दोनों भाई को एक ही टाइप का, ये साइज सिर्फ अलग अलग है, बड़ा भाई का है स्मॉल साइज और छोटा भाई का है एल साइज, तो आप लोग समझ जाओ, तो इस टाइप का ही है। और मैंने एक लेगिंग्स लिया हूँ ब्लैक कलर का, ये इस टाइप का लेगिंग्स प्लेन ब्लैक, और कुछ नहीं लिया, ये दोनों दिन ये सब चीजें लिए। तो कैसा लगा ये सब शॉपिंग हम लोगों का, दुर्गा पूजा का शॉपिंग, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और वीडियो अभी थोड़ा और नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पे, वीडियो को
खत्म करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। आप सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए।